ग्वालियर के आबकारी विभाग ने पुरानी छावनी में दो ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें लाखों रुपए की कच्ची शराब बनाए जाने का जखीरा बरामद किया गया। इस जखीरे को सैंपलिंग के बाद नष्ट कर दिया गया है। यहां अवैध शराब की भट्टियां सरकारी जमीन पर चलाई जा रही थी, लेकिन आबकारी पुलिस को देखकर अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोग वहां से फरार हो गए और पुलिस ने आसपास के लोगों से अवैध शराब बनाने वाले लोगों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। आज जो जलालपुर, सुसेरा कोठी और मोहनपुर, ये आंतरिक और वृत्त नंबर 4 जो है, इसमें एसी साहब को सूचना थी कि यहाँ पर फिर से लान तैयार हो गया है, तो उनके निर्देशन में एक हम लोगों ने टीम भेजी। अमीन खान, विवेक पटसारिया और सपना यादव, ये तीनों सब इंस्पेक्टर्स गए थे अपने अपने वृत्त में। इन्होंने कार्रवाई की, लगभग 3 लाख रुपये की लान को नष्ट किया, इन्होंने 6000 लीटर लगभग किलोग्राम लान था उसे नष्ट किया और 2 प्रकरण कायम किए, 2 अलग अलग स्पॉट पर मिली है। कितने आरोपी पकड़े गए हैं? क्या चूंकि गवर्नमेंट लैंड में है तो इसमें आरोपी वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड में कर रहे थे तो आरोपी इसमें नहीं सामने आया। कब से लगते आ रहे थे मोहनपुर में? तो लगातार ये करते रहते हैं, लेकिन इसमें सुसेरा कोठी इसमें पहली बार हम लोगों ने देखा है, जलालपुर में भी किए हैं।